हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम विकास लाइफ केयर कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी की शेयर प्राइस 5 रुपये है, एक पैनी स्टॉक है जिसमें एक दिन में 1% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 2.5% के नेगेटिव रिटर्न, ऑलमोस्ट 3% के नेगेटिव रिटर्न। पिछले 1 महीनों में 1% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, 6 महीनों में 11% के नेगेटिव रिटर्न दिए। पिछले 1 साल में 62% के पॉजिटिव रिटर्न। कंटिन्यू अपर सर्किट में हमें स्टॉक देखने को मिला था, फिर स्टॉक में लोअर सर्किट एंड अभी ये फ्लैट देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में 87% के पॉजिटिव रिटर्न दिए और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 87.97% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो क्या इस पेनी स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि हम कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चर्स करती है ट्रेडिंग प्लास्टिक्स, पॉलीमर, केमिकल एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 658 करोड़ का है। स्टॉक का लो 4.95 रुपीज़, स्टॉक का लो 2.93 रुपीज़ और स्टॉक का हाई 8.15 रुपीज़ है। पी की बात करें 22 है, बुक वैल्यू 1.82 रुपीज़, डिविडेंट यील्ड 0.0 है। कंपनी कोई भी डिविडेंट नहीं दे रही है। ROC 25% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, फेस वैल्यू 1 रुपये की है और प्रमोटर होल्डिंग 13% हमें देखने को मिली, जिसमें से 12% के स्टेक्स यहाँ पे प्लेज रहे। प्लेज का मतलब यह है कि कंपनी के शेयर्स यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं और कंपनी ने लोन लिया हुआ है। और डेब्ट की बात करें तो कंपनी का जो डेब्ट है 6.57 करोड़ का है। और यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला था 22 करोड़ का, जो कि गिरकर अभी 2.34 करोड़ देखने को मिला है। इसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस लॉस देखने को मिला था, अभी कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला है 28 करोड़ एंड 30 करोड़। बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि अभी 89 करोड़ है। और यहाँ पे बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स काफ़ी कम हुआ है, ऑलमोस्ट 7 करोड़ का। यहाँ बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 13% के स्टेक्स है, जो जून क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग गिरते हुए देखने को मिली। और FIIs ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखा है 12% का। गवर्नमेंट के पास 0.02% के स्टेक्स है और बाकी पब्लिक होल्डिंग 74% हमें देखने को मिली है, जो कि जून क्वार्टर में ये भी गिरते हुए देखने को मिली है। इसी के साथ साथ हम BSE पर इस स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि कंपनी ने कब डिविडेंड बोनस दिया है, तो यहां पे आप देख सकते हो कॉर्पोरेट एक्शंस में कंपनी 2 बार राइट इश्यूज लेकर आई है 2021 में एंड देन 2021 में। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जैसा कि हम कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिले हैं। तो अगर आप इस स्टॉक में, इस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पहली बात यह है कि आपको कम क्वांटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करो। अगर आप सीखना चाहते हो पेनी स्टॉक से तो 100-200 रुपये का इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप 10 साल 15 साल इन स्टॉक्स में पेशेंस रखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप इन पेशेंस नहीं रख सकते हो इन पेनी स्टॉक्स में तो आप इनको अवॉइड किए, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। तो क्या आप इस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे? नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।